लेट्स टू क्वेश्चन नंबर फोर्टी ऑफ एक्सरसाइज सेवनटीन डी क्वेश्चन विद इंटरनल डायमीटर मीटर टेन सेंटीमीटर एंड हाइट टेन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका इंटरनल डायमीटर हमें टेन सेंटीमीटर दे रखा है और हाइट टेन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर जो कि पानी से पूरा भरा हुआ है असॉलिड कोन ऑफ बेस डायामीटर सेवन सेंटीमीटर एंड हाइट सिक्स सेंटीमीटर इज कम्प्लीटली इमर्ज इन वाटर वो कह रहा है डायमीटर सेवन और हाइट सिक्स सेंटीमीटर का एक कोन है जो कि पूरा डूब गया है पानी में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें वॉल्यूम निकालना है वाटर का डिसप्लेसड आउट ऑफ द सिलेंडर एंड लेफ्ट इन द सिलेंडर कितना बाहर निकल गया और कितना उस सिलेंडर के अंदर रह गया दोनों की क्वान्टिटी निकालनी है तो चलिए अपनी फिगर बना लेते हैं देखिए ये हमारी फिगर है एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर कितना दे रखा है टेन सेंटीमीटर और हाइट टेन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ये है हमारी डायमीटर है टेन सेंटीमीटर और हाइट है हमारी टेन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर आगे क्या कह रहा है सॉलिड का डायमीटर है सेवन सेंटीमीटर और हाइट है सिक्स सेंटीमीटर सॉलिड का डायमीटर है सेवन सें कोन का डायमीटर है सेवन सेंटीमीटर और हाइट है सिक्स सेंटीमीटर तो अब हमें पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे पूरे का वॉल्यूम निकाल लेंगे तो उसके लिए जो जो दिया हुआ है वो वो लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है दैट इज़ टेन सेंटीमीटर तो रेडियस कितना हो गया रेडियस ऑफ सिलेंडर हो गया डायमीटर का आधा टेन डिवाइडेड बाय टू फाइव सेंटीमीटर हो गया और हाइट है हमारी हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखी है टेन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इसी तरीके से कोन का डायमीटर दे रखा है डायमीटर ऑफ कोन दे रखा है हमें सेवन सेंटीमीटर और हमारा रेडियस आ गया रेडियस ऑफ कॉन कितना आ जाएगा डायमीटर का आधा दैट इज सेवन डिवाइडेड बाई टू सेंटीमीटर और थ्री पॉइंट फाइव भी लिख सकते हैं इसी तरीके से हाइट ऑफ कौन क्या दे रखी है हाइट ऑफ कौन दे रखी है हमें सिक्स सेंटीमीटर, राइट अब वो कह रहा है कि हमें ये बताना है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना बचेगा कितना बाहर निकलेगा अगर हम उसमें कोन डुबो देते हैं और कितना इसके अंदर बचेगा तो कैसे निकालेंगे पहले हम पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आया दैट इज़ पाई आर स्क्वायर एच पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू 7. सेवन आर कितना था फाइव और एच था हमारा टेन पॉइंट फाइव पॉइंट हटाया नीचे एक जीरो लग गई सेवन वन जो सेवन सेवन फाइव ज़ा थर्टी फाइव फाइव थ्री जो फिफ्टीन फाइव टू ज़ा टेन टू वन जो टू इलेवन तो कितना आ गया देखिए फाइव फाइव ज़ोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव थ्री ज़ा इज सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव इंटू इलेवन इलेवन फाइव जो फिफ्टी फाइव फाइव कैरी इलेवन सेवन जो सेवेंटी सेवन सेवेंटी एट सेवनटी नाइन एटी एटी वन एटी टू तो ये आ गया एट टू फाइव सेंटीमीटर क्यूब आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अब हम जो चीज़ डुबोई है सिलेंडर के अंदर कंप्लीटली उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा वन अपन थ्री पा आर स्क्वेच तो वन अप ऑइन थ्री की वैल्यू ट्वेंटी टू सेवन आर था हमारा सेवन अपॉइंट टू और हाइट थी हमारी सिक्स तो ये कितना आ गया सेवन से सेवन कैंसिल हो गया टू थ्री जो सिक्स थ्री से थ्री कैंसिल हो गया टू वन जो टू टू वन सेंटीमीटर क्यूब राइट हमारा वॉल्यूम ऑफ कौन आ गया अब हमें पता है जब भी हम किसी फिल्ड वाटर कंटेनर में कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं और उसको कम्प्लीटली इमर्स करते हैं तो जितना उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है उतना ही पानी बाहर आता है तो हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड आउट फ्रॉम द सिलेंडर कितना आएगा उतना ही जितना हमारा कोन का वॉल्यूम होगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड आउट ऑफ द सिलेंडर आउट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कौन राइट तो कितना आ गया दैट इज सेवेंटी सेवन सेंटीमीटर क्यूब आ गया अब नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा था नेक्स्ट पार्ट में कह रहा था कितना पानी बचा है सिलेंडर में तो वॉल्यूम ऑफ वॉटर लेफ्ट इन सिलेंडर ये फर्स्ट पार्ट हो गया ये सेकेंड पार्ट लेफ्ट इन सिलेंडर कैसे निकालेंगे अगर मैं टोटल सिलेंडर के वॉल्यूम में से कौन का वॉल्यूम माइनस कर दूँगी तो हमारा कितना पानी बचा है ये पता चल जाएगा तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना था ए ट्वेंटी फाइव और कोन का वॉल्यूम था 77 माइनस किया तो कितना आया 15 में से 7 गया इज़ 8 11 में से 7 गया इज़ 4 एंड 7 सेंटीमीटर क्यूब तो इसका मतलब हमारा कितना पानी सिलेंडर में बचा हुआ है 748 सेंटीमीटर क्यूब इज़ द